केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार पाने की तैयारी में लगे युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। इसके तहत 60 लाख युवाओं को विभिन्न रोजगार परक विधाओं में प्रशिक्षित करने का मकसद है, तो साथ ही भारत के व्यापक असंगठित क्षेत्र में युवाओं के बीच कौशल के विधिवत प्रमाणन की कमी को दूर करने के लिए पूर्व शिक्षण पहचान योजना के तहत 40 लाख युवाओं को प्रमाणित भी किया जाएगा। इसमें 60 लाख नए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 40 लाख वो होंगे जिनके पास कोई नॉन फॉर्मल अनुभव है, ट्रेनिंग है, उनके नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग को और अधिक पॉलिश करना, प्रभावी करना। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय किया है। भारत में दीर्घकालीन वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी केंद्र ने अहम अधिकार देने का फैसला किया है। लंबे अरसे से भारत में रह रहे इन लोगों में अधिकांश हिंदू हैं, तो सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भी कैबिनेट के फैसले का लाभ मिलेगा। इसमें बैंक अकाउंट खोलने का, स्वरोजगार के लिए संपत्ति खरीदने, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड हासिल करने और साथ ही राज्यों के भीतर आजादी से घूमने का अधिकार शामिल है। इसके साथ ही नागरिकता हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस घटाकर 100 रुपए कर दी गई है, जो पहले 15,000 रुपए तक थी। भारत सरकार में सिटीजनशिप को लेने के आवेदन देने के बारे में उनको पहले 3,000 से 15,000 रुपए देने पड़ते थे, अब उससे घटाकर 100 रुपया कर दिया गया है। तो आज भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला करते हुए जो लॉन्ग टर्म वीसा पर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन तीनों देशों के, उनको ये सुविधा दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एक और बड़े फैसले के तहत कैबिनेट ने सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर की बंद पड़ी खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल गठित करने का फैसला किया है। इन कारखानों में फिर से काम शुरू होने से पूर्वी भारत, खासतौर से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में खाद की उपलब्धता और बढ़ाई जा सकेगी।